नमस्कार दोस्तों, यूटीवी न्यूज 24 के एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत को मिल गया है कैरेबियन खिलाड़ी कायरन पोलार्ड का भी बाप, आते ही कर देता है सभी गेंदबाजों की घड़ी। मैदान पर आते चौके छक्कों की बारिश स्टार्ट कर देता है। ऐसा बल्लेबाज है जिसके डर से दुनिया के सभी गेंदबाज खौफ खाते हैं। तो भारत को एक ऐसा ऑलराउंडर मिल गया है जो कि हार्दिक पांड्या की जगह भी ले सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हो इस ऑलराउंडर के बारे में जो कि कायरन पोलार्ड का भी बाप है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, वीरेंद्र सहवाग ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। भारत को ऐसे ऐसे खिताब जिताए वीरेंद्र सहवाग ने जिनकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। वीरेंद्र सहवाग भारत के लिए एक अच्छी पारी का आगाज करते थे, आते ही चौके छक्के लगाना स्टार्ट करते थे। और अब उन्हीं वीरेंद्र सहवाग ने भारत के खिलाड़ी को बताया है कायरन पोलार्ड का बाप। बोल डालिए बहुत अच्छी बात, कायरन पोलार्ड को ही बता दिया है उनके सामने बौना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, उन्होंने बात की है शाहरुख खान के बारे में। आप कहीं ये ना समझने लग जाना कि हम बॉलीवुड के शाहरुख खान किंग खान के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान की जो कि क्रिकेटर हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में तमिलनाडु टीम की ओर से खेलते हैं। प्रीति चिंटा की टीम पंजाब किंग्स ने 5,25,00,000 रुपए खर्च करने के बाद शाहरुख खान को अपने खेमे में शामिल किया था। हालांकि आने के बाद शाहरुख खान ने बहुत बड़ी पारी नहीं खेली, पहली पारी 6 रन बनाए थे, उसके बाद दोस्तों दूसरी पारी में 47 रन बनाए और फिर 15, 22, 13, 0, 4 दोस्तों 7 मैच खेले हैं टोटल आईपीएल में शाहरुख खान ने। मगर आने वाले समय में वीरेंद्र सहवाग का ये मानना है आने वाले समय में बहुत बड़े रिकॉर्ड बना सकता है अगर इस खिलाड़ी को थोड़ा ऊपर खेलने के लिए मिल जाए। ये खिलाड़ी बहुत नीचे खेलता है अभी, मगर दोस्तों जैसे खिलाड़ी ऊपर अगर इसको खिलाएंगे तो आने वाले समय में बड़े बड़े रिकॉर्ड बना सकता है और T20 में शतक भी ठोक सकता है। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या वीरेंद्र सहवाग सही हैं? शाहरुख खान आने वाले समय में पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए T20 में क्या शतक ठोक पाएगा? इस बात का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतने था, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए यूटीवी न्यूज 24।